का उन्होंने ऐलान किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया है और भूतकाल में जो घोर भ्रष्टाचार हुआ और जो भ्रष्टाचार करने वाले उनके कुरीति और कुनीतियों के कारण जो सार्वजनिक जीवन में है इसे राजनेताओं के ऊपर उन सबके साथ में साथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए सभी पार्टी मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने आह्वान दिया और पार्टियों में जो ऐसे भ्रष्ट नेता है और उनको दूर करते हुए और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कानूनन कार्रवाई हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक संघर्ष करने के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान दिया। और आखिर में जो पूर्वांचल में यानी उत्तर पूर्व राज्यों में ईशान्य भारत में भारी प्रमाण में बाढ़ आ चुकी है, प्रवाह आ चुका है, उसके बारे में उन्होंने चिंता जताई और भारत सरकार सेना भी तैनात की चुकी है और ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो संतरस्त जनता है और वहां के जानवर है बाकी है उन सब के रक्षा के लिए जो कार्रवाई करना है वो भारत सरकार कर रही है और भी करने के लिए भारत सरकार पूरा तैयार है और उसके लिए उन प्रदेशों को हर कदम सहयोग भारत सरकार करेगी, ये भी उन्होंने बताया। और आखिर में उन्होंने कहा यानी जो आज के दिन में पार्लियामेंट हम एक भाव से चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जीएसटी से लेकर के हर कदम में सभी पार्टियां पूरा सहयोग दिया है, आगे भी ऐसे ही सहयोग देते रहे और इस वर्षाकालीन सत्र को हम सब मिलकर के सार्थक बनाए वो उन्होंने निवेदन किया। थैंक यू सर। सर भाई जंक्शन पे जो चाइना ने इस तरह से चाइना ने अपनी फौज बिठा रखी है इस पर चीन और कश्मीर दोनों मुद्दों के बारे में अभी हाल में माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय सुषमा जी, माननीय अरुण जी के अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुए है और ये दोनों विषयों के बारे में पूरा देश एक है और भारत के रक्षा सुरक्षा और भारत के सरहदों का रक्षा ये सारे विषयों के बारे में पूरा देश एकजुट है और ये एकजुटता प्रदर्शित सभी पार्टियों ने किया है, सर्वदलों ने किया है, इसका भी उन्होंने आभार प्रकट किया। यही कहा इन्होंने कहा ये पूरा वहां के विषयों के बारे में हम प्रत्येक बैठक बुला करके अवगत करा चुके हैं और उस बैठक में और ये बैठक में दोनों बैठकों में सभी दलों के नेता ने एक ही सुर में कहा हम भारत सरकार के साथ है और भारत के रक्षा सुरक्षा के साथ है और सरहद के सुरक्षा के साथ। सर अपोजिशन लेकिन इस पर चर्चा चाहता है, हाउस के अंदर चर्चा चाहता है, वो तो विपक्ष तय करे। देखिए ये हर विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है और चर्चा का नोटिस भी आ जाएगा और कल से सत्र शुरू होने वाला है, हम चर्चा करेंगे।